भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 20 वर्ष पूर्व पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के 20वें वर्ष में युवा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसके तहत आज की युवा पीढ़ी को यह बताया जा सके कि इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किस तरह 1998 में परमाणु परीक्षण कर दुनिया में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। इसी संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश स्तर पर शौर्य शक्ति कलश यात्रा और युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अलवर में बुधवार को कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और भाजपा जिला उपाध्यक्ष उम्मेद मल भाया और जिला युवा मोर्चा के संयोजक ने कलश यात्रा को रवाना किया। संयोजक पंडित जल सिंह ने बताया कि अलवर में युवा मोर्चा ने पोखरण की मिट्टी से तिलक लगाकर युवाओं को 14 तारीख से होने वाले इस सम्मेलन में निमंत्रण दिया है और अलवर में 14 तारीख को महावर ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज से 11 मई से 20 साल पहले 11 मई 1998 को राजस्थान की वीर धरती जैसलमेर पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। माननीय अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के संयुक्त नेतृत्व में हमने पूरी दुनिया को ये बताया था कि भारत देश भी किसी से कम नहीं है। उसके 20वें वर्ष पर युवा मोर्चा पूरे राजस्थान में पोखरण की मिट्टी को हर विधानसभा में हर कॉलेज के युवाओं के पास लेके जा रहा है और उस मिट्टी से युवाओं के माथे पर तिलक करेगा और उनको एहसास कराएगा कि भारत देश किसी से कम नहीं है, हम सशक्त हैं, हम शक्तिशाली हैं। इसको लेकर आज 9 तारीख को युवा मोर्चा अलवर द्वारा इस यात्रा का आरंभ किया जा रहा है। यह कलश सभी विधानसभा में जाएगा, उसके बाद 14 तारीख से युवा सम्मेलन सभी विधानसभाओं में होंगे, जिसकी शुरुआत अलवर शहर से 14 तारीख को हमारा 1 बजे महावर ऑडिटोरियम में युवा सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे विधायकगण, मंत्री महोदय सभी शामिल होंगे और हम सभी युवा एक जश्न मनाना चाहते हैं। वो पीढ़ी जो 98 में जिसने जन्म लिया या 95 में जिसने जन्म लिया, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में राजस्थान की इस वीर भूमि पर पोखरण में परमाणु का परीक्षण का अलवर शहर से 14 तारीख को हमारा 1 बजे महावर ऑडिटोरियम में युवा सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे विधायकगण, मंत्री महोदय सभी शामिल होंगे और हम सभी युवा एक जश्न मनाना चाहते हैं। वो पीढ़ी जो 98 में जिसने जन्म लिया या 95 में जिसने जन्म लिया, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में राजस्थान की इस वीर भूमि पर पोखरण में परमाणु का परीक्षण